हाय एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मक्की की रोटी और सरसों के साग की रेसिपी तो ये विंटर्स में बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है तो चलिए पहले हम सबसे पहले साग को रेडी कर लेते हैं इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे यहाँ पर मैंने तीन तरीके के साग यूज़ किए हैं दो बंडल इसमें सरसों है दो बंडल इसमें, इसमें पालक है और एक बंडल इसमें बथुआ साग है तो पहले हम इनको अच्छे से वॉश करके चॉप कर लेंगे और उसके बाद सरसों और बथुआ को हम कढ़ाई पे चढ़ा देंगे कुक होने के लिए इसमें हम कुछ भी और ऐड नहीं करेंगे अभी कोई ऑयल नहीं डालेंगे अब हम इसमें लहसुन डालेंगे हरी मिर्च डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे थोड़ा सा पानी भी डालेंगे इसमें कुक होने के लिए और लो फ्लेम पर हम इसको पंद्रह मिनट के लिए कुक करेंगे इसमें थोड़ा सा हम अदरक भी ऐड करेंगे अदरक को बिल्कुल फाइनली जूलियंस की तरह आप इसको कट कर लीजिए और उसमें आप इसको ऐड कर दीजिए अब हम साग को 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कुक करने के लिए रख देंगे तो मीन वाइल अब हम पालक को रेडी कर लेते हैं पालक को भी हम मोटा मोटा काट कर ही रेडी कर लेंगे इसको बहुत फाइनली चॉप नहीं करना है आप इसको मोटा मोटा काट कर अच्छे से वॉश करके इसको ले लीजिए तो हम पालक रेडी कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको कुकर में चढ़ाएंगे लिटिल बिट ऑफ वाटर के साथ अराउंड वन फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर और उसको हम एक विसल देंगे फुल गैस पे अगर आप चाहें तो ये पालक आप सरसों और बथुआ के साथ कढ़ाई में ही साथ में कुक कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसको अलग से विसल देंगे और उसका स्मूथ पेस्ट बनाएंगे बाद में मिक्सर में तो ये बहुत ही रिच डार्क ग्रीन कलर का पेस्ट बनकर रेडी होगा और जिससे हमारी रेसिपी बहुत ही यमी दिखेगी तो अब हम अपना साग चेक कर लेते हैं पंद्रह मिनट हो गए हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ढक इसको अगेन हम लो फ्लेम पर टेन मिनट्स के लिए कुक करेंगे मीन वाइल मक्की का आटा रेडी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पे हाफ के के जी मक्की का आटा लिया है इसको हम हॉट बॉइलिंग वाटर बिल्कुल वन एंड हाफ ग्लासेस ऑफ वाटर इसमें लगता है अराउंड हाफ के जी मक्की का आटा गूंदने के लिए तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ये बॉयलिंग वाटर डाल के इसको हम रेडी करेंगे इसको स्पून से मिक्स करते रहेंगे और जब आपको लगेगा कि ये बिल्कुल अच्छे से गूंदने के लिए रेडी हो गया है इसमें लम्ब्स बनने शुरू हो गए हैं तब तो फिर हम अपने हाथ से इसको गूंदेंगे और एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो बनाकर हम मक्की के आटे का रेडी करें कर लेंगे और मीन माइल हम पालक चेक कर लेते हैं उसमें एक विसल आ गई थी गैस मैंने बंद कर दी थी और अब हम इसको जो है ठंडा होने के बाद मिक्सर में डालकर इसको एक बहुत ही स्मूथ सा फाइन पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा डार्क ग्रीन कलर इसमें आता है इसमें सारा का सारा जो पानी था पालक का वो भी ऐड कर देंगे कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे हम तो इसको पेस्ट बनाकर हम रेडी कर लेते हैं और उधर हमारा सरसों और बथुआ अभी भी कुक हो रहा है अगर ये आपको लगता है कि इस पॉइंट पर ये बिल्कुल अच्छे से मैश होने की कंसिस्टेंसी में आ गया है तो स्पून से आप इसको प्रेस कर करके ही इसको मैश करिएगा इसको आप मिक्सर में पीसीएगा मत अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे पालक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और स्पून से ही मैश करेंगे इसको सरसों और बथुए को ये ऑलमोस्ट डन है फ्लेम आप लो ही रखिएगा इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए और इसको अभी हम और कुक करेंगे अराउंड टेन मिनट्स के लिए अब हम इसमें साथ में दो टेबल स्पून भर कर मक्की का आटा भी ऐड आट करेंगे इससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा तो मक्की का आटा आप इसमें ज़रूर डालिएगा जैसे ही आप इसमें मक्की का आटा डालेंगे इसको अच्छे से मिला देंगे और इसको टेन मिनट्स के लिए हम लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे इसको मिक्स करते रहेंगे बीच में मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सरसों के साग में हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे स्पून से दबा दबा कर इसको मैश करेंगे कोशिश करिएगा इसमें एक भी लंप ना रहे मक्की के आटे का जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए आप इसमें सॉल्ट ऐड कर लीजिए हमने थोड़ा सॉल्ट पहले भी इसमें सरसों और बथुआ कुक करते समय डाला था तो आप ध्यान रखिएगा उतना ही सॉल्ट डालिएगा जितना आपको इसमें अच्छा लगे अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं तो कढ़ाई में करीब वन टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालकर इसमें थोड़ा सा जीरा डालिए और इसमें थोड़ा सा हींग डालिए जीरा अराउंड वन टीस्पून के करीब उसके बाद इसमें वन मीडियम साइज का चॉप्ड अनियन जाएगा दो हरी मिर्च थोड़ा सा इसमें अदरक जाएगा जूलियंस में और तीन चार लहसुन के दाने जाएंगे उसको आप बारीक बारीक काट के इसमें डाल दीजिए इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे अराउंड टू मिनट्स के लिए लो फ्लेम में ही करेंगे और जैसे ये फ्राई हो जाए तो हमने जो साग प्रिपेयर किया था वो सारा का सारा साग हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको कुक करेंगे फाइव मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर तो अब हमारा साग अच्छे से कुक हो गया है अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें बिल्कुल भी लम्पस नहीं है अब हम इसको रेस्टोरेंट की तरह सर्व करेंगे जैसे ऊपर से तड़का लगाकर तो हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं यहाँ मैंने असली घी लिया है तड़का पैन में कुछ साबुत लाल मिर्च ली है थोड़ा सा लहसुन लिया है थोड़ा सा अदरक लिया है जीरा लिया है थोड़ा सा और थोड़ा सा हींग डाल के मैंने ये तड़का रेडी कर लिया है अब हम इसको तड़के को रेडी करने के बाद ऊपर से साग में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हमारा साग बिल्कुल रेडी हो गया है तो अब हम साथ में सर्व करने के लिए मक्की की रोटी की तैयारी कर लेते हैं और मक्की की रोटी मैं भी आज पहली बार बना रही थी तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा मिशन था लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल रहा तो आटा लिया मैंने मक्की का और उसको मैंने गोल गोल इसके रोल्स बनाकर उसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई आटा लगाया एंड सॉफ्ट हैंड्स के साथ इसको प्रेस कर करके मैंने बेला और उसके बाद मैंने इसको तवे पे पलट पलट कर सेंक लिया अगर आप चाहें तो इसको राउंड शेप देने के लिए बीच में बोल से कट करके भी एक अच्छा सा राउंड शेप दे सकते हैं पर मुझे ये नेचुरली ऐसा ही अच्छा लगता है तो मैंने इसके एजेस नहीं काटे और इसको पलट पलट कर मैंने तवे में इसको सेक लिया अब हम इसको सर्व कर लेते हैं थाली रेडी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पे सरसों का साग निकाल लिया है बोल में ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे मक्की की रोटी रखेंगे साथ में उसमें भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि वो सॉफ्ट रहे और साथ में मिर्ची का अचार तो so, ये रही आज की थाली विच सरसों का साग एंड मक्की की रोटी आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल मीट यू वेरी सून थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय